हेलो दोस्तों, बात करते हैं सुजान एनर्जी लिमिटेड स्टॉक की। 6.35 रुपए के आसपास हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी। 4.5% डाउन है। एंड अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम काफी गजब का आता हुआ दिखाई देता है इसमें। अभी भी 3:30 बजे तक, अगर फ्राइडे की बात करें, तो 13.2 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए थे सुजान एनर्जी लिमिटेड में। तो आज हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते में सुजान एनर्जी की मूवमेंट कैसे रहने वाली है, क्या ये अप ट्रेंड में रहेगा, बुलिश रहेगा, बेयरिश रहेगा, या साइडवेज में ट्रेवल करेगा। और क्या अगर आप भी अभी भी आपने इन्वेस्ट नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि हम सुजान एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या ये डिसीजन सही रहेगा या नहीं है। एंड जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है वो लॉस में है। आप 7 रुपए के लेवल पे एंटर हुए थे, 8 रुपए के लेवल पे एंटर हुए थे मान लिया, और जब पुराने इन्वेस्टर हैं आप, अपने पहले इन्वेस्ट किया था फिर स्टॉक डाउन ग्रेड चला गया, तो आगे आने वाले समय में क्या रैली रहने वाली है, कैसा परफॉर्म करेगा हमारा नेक्स्ट वीक में, इन्हीं सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते का जो चार्ट है हमारा वो थोड़ा सा पहले तो स्टेबल दिखाई देता है हमारा। जब वीक स्टार्ट हुआ हमारा जनवरी 18 को, तो 6.95 रुपए के आसपास हमारा स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद ये 6 रुपए के जो रेंज है हमारा उसको ब्रेक नहीं करता है, उसके बाद ये नीचे आता है और 6.35 रुपए के आसपास हमारा स्टॉक बंद होता है फ्राइडे को। ओवरऑल 4.5% का जो डाउन ट्रेंड दिखाया है इसने इस हफ्ते में वो काफी डाउटफुल है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट सुजलॉन इज इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड ये सेक्टर काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। उसके बावजूद सुजलॉन जो है हमारा वो थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दिया है। अच्छा, उसके कई रीजंस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादा है, इंटरनल कम है। 3 दिन तो हमारा मार्केट ही डाउन ट्रेंड में दिखाई दिया, इंडेक्सेस में काफी ज्यादा फॉल दिखाई दिया, और जो लास्ट के 2 दिन थे हमारे उनमें निफ्टी और सेंसेक्स में कितना ज्यादा फॉल दिखाई दिया है आप खुद देख सकते हैं। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट में प्रेशर और बिकवाली देखने को मिली है, तो सुजलॉन एनर्जी उसे बचा नहीं रह सकता। छोटा स्टॉक है तो इन सब चीजों को जो फर्क है, अफेक्ट है, वो ज्यादा आता है इस पर, ठीक है। तो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से सुजलॉन एनर्जी ज्यादा डाउन रहा है, ना कि इंटरनल रीजंस की वजह से। तो ओवरऑल यही था। अभी हम अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमारे स्टॉक को परेशान कर सकते हैं। वो पहला तो इवेंट है कि एफएनओ की एक्सपायरी वीक है, तो आपको वहां पर थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एफएनओ की एक्सपायरी वीक है, लास्ट वीक है हमारा, तो वहां पे थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा हमारा स्टॉक। तो सिर्फ सुजलॉन ही नहीं, पूरा स्टॉक मार्केट आप देखने तो वोलेटिलिटी से घिरा हुआ रह सकता है। दूसरा जो बड़ा इवेंट आ रहा है हमारा वो है बजट 2020 का, और आज हलवा सेरेमनी भी हो रही है इस टाइम पर। तो आप देखिए कि जो बजट 2021 है उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हैं, और लोगों में काफी उत्साह भी है कि इस बार हो सकता है। और निर्मला सीतारमन जी ने भी कहा है कि ये बजट 100 सालों में ऐसा बजट नहीं आया होगा। वो पॉजिटिव वे में बोल रही है या नेगेटिव वे में बोल रही है वो तो अब बजट आने के बाद ही पता चलेगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बजट से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और पिछले दिनों वेल्थ टैक्स को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। अगर वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है तो फिर स्टॉक मार्केट में काफी दबाव देखने को मिल सकता है, और स्टॉक हमारा नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि और क्या चीजें हैं, तो इनकम टैक्स में भी एक मतलब बढ़ाने की बात हो रही है, इनकम टैक्स रेट जो है हमारा, तो वहां पर भी अगर इनकम टैक्स रेट बढ़ाया जाता है तो प्रॉब्लम है। एंड कोविड टैक्स और कोविड कॉम्पनसेशन की बात चल रही है। ओवरऑल कोविड टैक्स में अगर जो कोविड की वजह से जो सरकार को नुकसान हो उसको, उस पर एक सेस लगाया जाएगा जो सभी को पे करना पड़ेगा। जैसे हम एग्रीकल्चर सेस पे करते हैं, एजुकेशन सेस पे करते हैं, हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ बिल में जुड़ा रहता है आप देखेंगे ध्यान से, तो वैसे कोविड सेस और कोविड टैक्स लगाने की बात चल रही है। तो अगर वो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड जो है कोविड कॉम्पनसेशन, उसका मतलब होता है कि जिन लोगों को कोविड की वजह से जॉब गई है या जो लोग कंपनी बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई है, वहां पर उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो दोनों में से एक इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑब्वियसली, और जो भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसका असर हमारा स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो दो फैक्टर्स है जो अगले हफ्ते में हमारे सुजलॉन इंडस्ट्री के स्टॉक को परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज, अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो एक हफ्ते में 4.5% का डाउन ट्रेंड दिखाई दिया है, 1 महीने में बट पॉजिटिव है 30%, और 3 महीने में 100% के आसपास का रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा बुलिश ट्रेंड में दिखाई देता है, 1 साल में लगभग 150% का रिटर्न दे चुका है। और अगर आप लंबे समय तक इससे ये पता लगता है, अगर आप लंबे समय तक इसमें रुकते हैं तो आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं सुजलॉन में, ठीक है। आपने 3 महीने में 100% का रिटर्न ले लिया, आप एक हफ्ते में 4.5% डाउन होगा तो आप कहेंगे यार सुजलॉन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर ये थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। थोड़ा सा लंबा समय तक आप रुकिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म में निवेश कीजिए, आप एक हफ्ते में प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अपना लॉस करवा लेते हैं।
तो थोड़ा सा लंबा रुकने की पॉलिसी बनाइए, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना कम से कम किसी भी स्टॉक को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा देखिए, पेशेंस रखिए कि उसमें क्या किस तरह का मूवमेंट आ रहा है। सुजलॉन एनर्जी जो हमारा रिन्यूएबल्स के एरिया में काम करता है और आने वाला सेक्टर है, ये आने वाली ग्रोथ इसी में दिखाई देखने को मिलेगी, तो आपने अगर बाय नहीं किया तो आप बाय करके लंबा रुकने की पॉलिसी के साथ बाय करते हैं। विंड टर्बाइन बनता है इसमें एंड जो विंड एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने के लिए सुजलॉन एनर्जी काम कर रही है, तो काफी अच्छा काम है, काफी अपकमिंग सेक्टर है हमारा ये, तो फिर इसमें आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आगे आने वाले समय में। अगर इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट हमें इसका ठीक ठाक दिखाई देता है, जो 6-6.5 रुपए का हमारा एक सपोर्ट जोन बन रहा था वो अभी ब्रेक नहीं हुआ, 6.30 रुपए के आसपास का जो सपोर्ट था हमारा वो ब्रेक नहीं हुआ है, अभी 6.35 रुपए के आसपास हमारा स्टॉक बंद हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर है। बट जो जिन चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा जो वो है कि हमारा जो एमएचडी की लाइन है वो थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक हमारा थोड़ा पुल बैक में आ सकता है अगले हफ्ते में भी। रेजिस्टेंस की बात करें जो पहला रेजिस्टेंस है हमारा वो आता है हमारा 6.70 रुपए 6.80 रुपए के आसपास, ठीक है, 6.75 रुपए के आसपास। दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 7.50 रुपए के आसपास आता है। तो अगले हफ्ते में अगर हमारी मूवमेंट जो रहती है, जो कुछ खबरें आने वाली हैं हमारी फुजलॉन से रिलेटेड, वो अगर पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करती है तो हमारा स्टॉक 7.50 रुपए की तरफ भाग सकता है अगले अगले हफ्ते में, ठीक है। नेक्स्ट वीक का जो टारगेट रहेगा हमारा 7.50 रुपए का रहेगा, डिपेंडिंग ऑन की किस तरह की खबरें आती हैं इससे रिलेटेड और बजट 2021 में क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आती हैं, क्या कुछ इशारा करती हैं हमारे बजट और निर्मला सीतारमन जी, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा स्टॉक किस तरफ मूव करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है ये जानना कि ये स्टॉक थोड़ा सा डाउनफॉल में आ चुका है, तो आपको आने वाले समय में थोड़ा सा अप डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आरएसआई की बात करें तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बीच में है, तो यहाँ से हमें कोई नेगेटिव खबर आती हुई नहीं दिखाई देती है, यहाँ से हमें लगता है कि आरएसआई को देखकर यही लगता है कि स्टॉक हमारा ऊपर जाएगा जाएगा। बट ओवरऑल अगर हम स्टॉक की बात करें तो यह थोड़ा सा साइड वेज में ट्रैवल कर सकता है, यहाँ से आप देखिए कि थोड़ा सा साइड वेज में ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है, ठीक है, और साइड वेज में ट्रैवल करता ही और हुआ ही ऊपर जाएगा, जो अपना ब्रेकआउट देगा वो हमारा 6.70 रुपए के आसपास जो ब्रेकआउट होगा हमारा, तो ये 7.50 रुपए की तरफ वो मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये स्टॉक हमें छोटा स्टॉक है तो छोटी मूवमेंट और छोटा टारगेट ही लेके चल सकते हैं, आप इसमें कोई बहुत बड़ा टारगेट आप एक हफ्ते में नहीं लेके चल सकते हैं कि एक हफ्ते में 10 रुपए पहुंच जाएगा, 1 रुपए में 10 पैसे 10 रुपए पहुंचेगा एक हफ्ते में अगर, तो फिर सेबी से एएसएम लिस्ट में डाल देगी, रीजनल सर्वेलियंस मेजर्स की लिस्ट में, एंड फिर ये स्टॉक वापस से 6-7 रुपए के आसपास आ जाएगा, जो कि बाकी स्टॉक्स में होता आया है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा पेशेंस रखिए और धीरे धीरे मूव होने दीजिए इस स्टॉक को। डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी हमारी ठीक ठाक आती हुई दिखाई दे रही है, जैसा हमने पहले भी बोला था कि इंट्राडे में नहीं है ये स्टॉक, इसलिए 100% की डिलीवरी आती हुई दिखाई दे रही है, और डेली की जो डिलीवरी है वो 4 मिलियन 5 मिलियन के आसपास शेयर्स उठाए जा रहे हैं, 50 लाख 60 लाख शेयर अगर एक दिन में लॉन्ग टर्म के लिए उठाए जा रहे हैं तो उसका आने वाला समय थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, आगे आने वाला जो वीक है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है सुजलॉन इन्वेस्टर्स के लिए, और ये उस बात पर भी डिपेंड करता है कि बजट 2021 से जो एक्सपेक्टेशन है वो किस तरह से प्ले करती हैं रूल, और जो FNO का एक्सपायरी वीक है वो किस तरह से एक्सपायर होता है। तीसरा फैक्टर है कि जो पिछले 2 दिनों से इंडेक्सेस पे प्रेशर देखने को मिला था वो मंडे से क्या बना रहता है या हट जाता है, उस पर भी हमारा सुजलॉन का इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो ऊपर या नीचे जाते हुए जो मूवमेंट है वो डिसाइड करेगा हमारा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट वीक में जो सुजलॉन का स्टॉक है वो साइडवेज में ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है, ठीक है, और साइडवेज में ट्रैवल करता हुआ ये 6.30 रुपए का अगर लेवल ब्रेक करता है तो ये 6 रुपए तक का जो एक सपोर्ट है उसको चेज करता हुआ दिखाई दे सकता है, 6 रुपए तक का जो एक लेवल है हमारा उसको चेज करता हुआ दिखाई देगा अगर ये 6.30 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो, और 6.30 रुपए का लेवल तभी ब्रेक होगा जब इंडेक्सेस में प्रेशर मंडे को भी बना रहता है तो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि इंडेक्सेस कैसे प्ले करते हैं, बजट कैसा आता है, FNO एक्सपायरी कैसी होती है, उसके ऊपर हमारा सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक है वो ऊपर या नीचे जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 7.50 रुपए के टारगेट को चेज करेगा, और जहां तक हमें उम्मीद है 7.50 रुपए का ऊपर ऊपर ही बंद होगा इस हफ्ते में, बट लेट्स सी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट मिलो, हम सभी कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।